জয় গুরু মা। খুব সুন্দরভাবে আপনি গানা পরিবেশন করছেন। নেক্সট আমরা নেক্সট সঙ্গীতকু আমি যিবা সুবর্ণা মিশ্র নেক্সট কোরস পরিবেশন করিবে। জয় গুরু। জয় গুরু। सुनो रे भा मेरे मालिक जगत के ना, सुनो रे भा मेरे मालिक जगत के ना, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घा मेरे मालिक जगत के ना। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के ना, संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भक्ति, संगी न साथी मीत न कोई, ठगने बंधु भाई, चेतो भी शरण में आओ, चेतो भी, चेतो भी शरण में आओ, चरण झुकाओ माँ मेरे माले जगत के ना। सुनो रे भाई मेरे माले जगत के ना, धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरे जावे, धन संपद सब काम नावे, माया बंधन छिन मेरे जावे, दो पल का ही मिट जावेगा, दो पल का ही, दो पल का ही मिट जावे, छोड़ो इनका सा मेरे माले जगत के ना। सुनो रे भाई मेरे माले जगत के ना, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो, सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाँ मेरे माले जगत के ना। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के ना, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घा मेरे मालिक जगत के ना, मेरे मालिक जगत के ना, मेरे माले जगत के नाम। जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद सुवर्णामा। नेक्स्ट आमे जीवा कीर्तन आड़ को, सेठी आमे नेक्स्ट
आमे कीर्तन परिवेषण करिवे सिंगापुर रे आमर ऋतिक दादा पिंटू घोष दा। पिंटू दा जय गुरु। पिंटू दा जय गुरु। पिंटू दा जय गुरु। दादा जय गुरु। आप कोरस या कीर्तन एक परिवेशन कीजिए। जय गुरु। জয় গুরু বলে রাখি বারে বার
जय गुरु जय गुरु बोले राखी बारे बार जय गुरु जय गुरु बोले राखी बारे बार संशय लाजब विशेष हो संशय लाजब विशेष हो चिरदिन दाऊ दासे सेवा अधिकार जय गुरु जय गुरु बोले नाति बारे बार 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 जय गुरु जय गुरु पिंटू दा सतरे एबे पिंटू दा जो गाउथिले अगतिर चिरगति निखिलेर तुमी पति तो सतरे अगतिर गति से ठाकुर को आमे जीवन रे पाइछे आमे एमती धरी चलिथिबा जीवन परे जीवन आउ ठाकुर से शरणाश्रित होई जीवन को उन्नति मुखरे बढ़ी चलिबा यही परिक्रम आमर भजन कीर्तनर प्रोग्राम समाप्त होई आग को आमे बढ़िबा आलोचनार पर्व आलोचना क्रम आमर प्रारंभिक आलोचना करिबे श्री बिजन दत्त जी कि एठिकार सिंगापुर लोकल सिंगापुरियन भी ता छड़ा से एकनिष्ठ सत्संग्र कर्मी तो एतिकी कही मु बिजनदा को हैंडओवर करने को चाहूँगी बिजनदा आप प्रारंभिक आलोचना करंतु जय गुरु बिजन भाई जय जय गुरु बाबा भाई जय गुरु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यवाद श्री श्री बरदा चरण कोटि कोटि प्रणाम वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय बाबादा चरण कोटि कोटि प्रणाम सब ठाकुर परिवार चरण कोटि कोटि प्रणाम उपस्थित ऋतिक मंडली और सभापति ऋतिक ठाकुर पांजाधारी कर्मी हमारे सबाई भाई बोन আমার মারা সবাইকে আমার রা এবং জয় গুরু আমি উড়িয়া কথা বলতে পারি না আমি চেষ্টা করব হিন্দিতেই বলার জন্য কিছু যদি কিছু ত্রুটি হয়ে যায় কেউ কিছু বুঝতে না পারে কেন আমি উড়িয়া আমার মাতৃভাষা হলো বাঙালি আমি তাও চেষ্টা করব হিন্দি হিন্দি সময় তো বুঝবে হিন্দি বলো অভিজন ভাই হিন্দি সব বুঝবে আগে দাদা জয় গুরু হিন্দি বাংলা যা বলো সব বুঝবে কিছু অসুবিধা নেই সো सबसे पहले तो मैं उड़ीसा से सब गुरु भाई सब जो ज्वाइन किए वर्चुअल सत्संग में और जो सिंगापुर यहाँ पे मलेशिया से सिंगापुर सबसे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से ज्वाइन किए सबको आभार व्यक्त करता हूँ और ये हमारे लिए साउथ ईस्ट एशिया सत्संग के लिए सिंगापुर चैप्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें एक मौका मिला है सही बताया थे हमें कभी फर्स्ट टाइम किसी ने बोला कि चलिए सत्संग ऑर्गेनाइज करना है जो कि भुवनेश्वर में हो रहा है लेकिन सिंगापुर गुरु भाई सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे प्रार्थना से लेके धनी तक तो हमें लगा जब गोलोक भाई ने ये बात बोला हमें लगा बहुत अरे ये तो सब दैट्स रियली ग्रेट आइडिया व्हाई नॉट वी शुड डू दैट तो तभी तुरंत ही हम लोग देख रहे थे कौन सा डेट में क्योंकि हमारा भी सत्संग होता है तो कन्फ्लिक्ट ना हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ जय गुरु दादा आप लोग जो भी आपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने ये बात सोचा है डेफिनेटली अभयदा वुड बी बिहाइंड दिस माइंड ऑफ दिस बट आई थिंक देर आर अदर पीपल एज वेल हु आर प्लानिंग फॉर दिस एंड देर विल बी मेनी मोर सत्संग्स लाइक दैट इन अपकमिंग वीकेंड्स और अपकमिंग मंथ्स
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आज का दिन जो एक्चुअली हम लोग को सबको पता है 53rd ठाकुर के जो एनिवर्सरी डिमाइस का, हम लोग बोलते हैं ठाकुर चले, ठाकुर तो चले नहीं गए, ठाकुर हमारे बीच में ही है। ठाकुर श्री ठाकुर ही ऐसे एक पुरुषोत्तम है जिन्होंने आचार्य परंपरा हमें देके गए। अगर श्री ठाकुर कोई भी जितने पुरुषोत्तम जितने भी युग में आए हैं कभी भी किसी ने भी आचार्य परंपरा आज तक नहीं शुरू किया, श्री ठाकुर ही है जिन्होंने आचार्य परंपरा देके गए। इसीलिए हमें लगता है ठाकुर का हम लोग 53rd आज एनिवर्सरी डिमाइस का एनिवर्सरी कर रहे हैं, लेकिन हमें शोक अंदर से हम लोग सत्संग करके सबको सुबह से, आज भुवनेश्वर का प्रोग्राम है सुबह से शुरू हुआ है शाम तक होगा, द ओनली वे दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट ऑलवेज बिकॉज वी नो देयर इज समबडी हु इज अ लिविंग आइडल इन आवर लाइफ, एक जीवंत गुरु जिनके पास हम जब भी जाएंगे जब भी कुछ बातें होगा हमें हमारे उसका सोल्यूशन मिलेगा। पिंटू भाई जो गाना कीर्तन कर रहे थे सब सही में वो जो कीर्तन सुबह जब हम सत्संग शुरू हुआ प्रार्थना से जो कीर्तन से जब हमारा वो पाठ खत्म हुआ, जय गुरु बोले डाके बार बार, हम लोग सबको जय गुरु ही बोलते हैं। देयर आर मेनी पीपल लाइक इन दिस सत्संग ओनली 46 पीपल हैव जॉइंड वर्चुअली राइट, आई डोंट नो ईच एंड एवरी वन प्रोबेबली। गोलोक भाई और हम लोग सिर्फ एक ही तार में हम लोग बंधे हुए हैं, या पिंटू भाई है कोई भी भाई है, हम लोग सिर्फ श्री ठाकुर का हमारा केंद्र है। जैसे एक सर्कल बनाने के लिए एक सेंटर की जरूरत होता है वैसे ही हमारे श्री ठाकुर हमारा सेंटर है, वो सेंटर को लेके हम चारों तरफ हम लोग घूमते हैं। और हमारा यही है एक मानना कि जब हमारे जीवन में जब सेंटर होगा, जब हमारे जीवन में लिविंग आइडल होगा, जीवंत गुरु होगा, तब हमें किसी भी विपद आपद या कहीं भी सुख में रहे दुख में रहे हम खूब आनंद में रहेंगे। मैं अपनी दो चार बातें घटनाएं बताता हूं, मेरे जीवन में भी सबके जीवन में ही आप श्रावण आते हैं। मैं 10 साल पहले बहुत डिप्रेशन में हो गया था, मुझे लगता था कि मैं ठाकुर जी का काम और नहीं करूंगा, मैं सस्ता नहीं लिया करीबन 20-22 साल पहले। लेकिन मैं जब 10 साल पहले, अभी मैं सिंगापुर में 14-15 साल से हूँ, लेकिन 10 साल पहले मुझे लगा था कि मैं सब ठाकुर जी का काम छोड़ छाड़ देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करता हूँ, मुझे ऐसा लगा था, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ। लेकिन मुझे आज लगता है तब अगर पूजनीय बिंकिदा मुझे उनके ऑफिस रूम में बैठ के अगर 2-2.5 घंटे 3 घंटे वो मेरे को पूरा देवघर का विजिट, मुझे पता है अभी भी फ्रेश है मेरे माइंड पे, 10 साल पहले की बात है, जे दादा ने मुझे बैठ के बहुत सारी बातें ऐसे बोले। दादा मुझे बोलते हैं मुझे भी तो बहुत कुछ करने का दिल करता है, मैं तो आचार्य दा का लड़का हूं, मैं तो सिगरेट पीने का दिल, ऐसे ऐसे लिटरल बोलते हैं, मुझे अगर सिगरेट पीने का दिल करता है और मैं सिगरेट पी के देवघर में घूमता हूं तो क्या बोलेंगे वो आचार्य देव का दादा लड़का सिगरेट पी के घूम रहे हैं। तो हर एक के दिल में बहुत कुछ मन करेगा लेकिन हर चीज करने का मौका हर समय संभव प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। और ठाकुर को केंद्र करके अगर आप अपने जीवन के, मुझे पूजनीय बिंकिदा ने ऐसे समझाया, बच्चे की तरह समझाया, और सोच सकते हैं कि दादा के सामने में 2 घंटे बैठा हुआ बात कर रहे हैं, मतलब कितना डिस्कशन पॉइंट्स में बात किए होंगे, और वो मेरे जीवन का आई कांट फॉरगेट दैट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड दैट हैज ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म मी फॉर टू डू द ठाकुर वर्क और वट एवर आई कैन, बिकॉज ठाकुर जी का काम तो ठाकुर जी कराते हैं, हम लोग तो सिर्फ मीडिया है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, सही बताया हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए सिंगापुर में मलेशिया में कुछ भी नहीं, अभी बहुत कुछ करना है हमें, लेकिन जितना भी कुछ हम कर पा रहे हैं वो ठाकुर जी की दया से कर पा रहे हैं। अगर ठाकुर जी हमारे जीवन में अगर नहीं होते, हम लोग ठाकुर जी को केंद्र करके नहीं चलते तो हम शायद बहुत कुछ नहीं भी कर पाते। ठाकुर जी हमारे जीवन के सेंटर है इसीलिए हम ठाकुर जी को केंद्र करके, आज जो सोमी माँ ने जो गाना गाई, सोमी माँ एक्चुअली शी इज अ नॉन इनिशिएटेड पर्सन and she is from a Bengali community, Singapore community, but I know Sumima and her husband for many years and they are part of like satsang community even though they are non-initiated, but she is a part of our community where we know and wherever we talk or send an SMS she will or her husband will say Joy Guru,
Why she is your say Joy Guru? She knows they address us as the Joy Guru because they know we are all disciple of Sisi Thakur. That is our identity. Thakur hi hai hamare identity. Main kisi ek minister ke paas mein bhi chale jaun, koi prime minister ke paas mein bhi chale jaun, main unko jaake yahi bolunga sabse pehle Jai Guru. मैं जब अपने पापा को फोन करता हूँ, जब मेरे बच्चे मेरे को बात करते हैं या मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ, मैं पापा को फोन करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ? जॉय गुरु. हमारी सत्संग कम्युनिटी में यही है, यही हमने छोटे से सीखा है. और ये सीखा कैसे है? हमारे ठाकुर परिवार सिखा के जाते सिखा रहे हैं. श्री ठाकुर का 53rd डिमाइस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन श्री बौरदा ने जो मतलब जो ठाकुर जी जो बोल के गए हैं फिलोसॉफीज प्रिंसिपल्स उनको उसके उनके जीवन में वो करके दिखा के गए हैं. और वही चीज सीसी दादा अभी जीवंत हैं. ही इज देयर इन देवघर इन फ्लैश एंड ब्लड. ही वी सी हिम वी लिसन टू हिम एंड वी कैन गेट ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ही इज देयर ऑलवेज फॉर अस. अभी वर्चुअली हम लोग मिल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन. इवन दो ही कम्स समटाइम्स इन मेनी आई थिंक वेयर रिसेंटली इन भुवनेश्वर उत्सव ही आई थिंक ही हैज गिवन हैज सम मैसेज होली मैसेज टू ऑल द गुरु ब्रदर्स. इट्स नॉट फॉर ओनली भुवनेश्वर राइट, इट्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स फॉर अस हु आर स्टेइंग माइल्स माइल्स अवे फ्रॉम हियर. इट्स फॉर एवरीबॉडी. तो हम लोग जब ऐसे होते हैं वर्चुअली हम लोग को लगता है कि हम लोग सभी गुरु भाई गुरु माँ के साथ में अभी भी जुड़ित है. मैंने रिसेंटली एक ट्रिप किया था लास्ट ईयर भुवनेश्वर से मतलब बैंगलोर से मैं देवघर गया था. और मुझे मैं इतना सिंपल में बोलता हूँ, मैं हर जगह जहाँ पे भी मैं रुका मंदिर में रुका, चाहे वो विशाखापट्टनम से निकला जब मैं उड़ीसा में घुसा तब भी मैं रुका कहीं भी. और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं कहीं पे कोई और जगह में जा रहा हूँ. इतना प्यार इतना एतो भालोबाशा सबर मुझे एतो भालोबाशा एतो टार केमन करे आसे, कैसे आता है वो प्यार? कि हम लोग मैं कुछ एक कुछ पैसा देता हूँ उनको, कभी नहीं दिया मैंने किसी को भी. सही बता रहा हूँ, मैं कभी भी कैसे नहीं ठाकुर को प्रणाम ही देता हूँ लेकिन मैं किसी को पर्सनली कभी भी पैसा नहीं दिया. लेकिन वो भालोबाशा ना आशे केमन करे, कैसे आता है वो प्यार? जस्ट बिकॉज we love Sisi Thakur and the person also loves Sisi Thakur, and that's why we because we love Sisi Thakur that's why the love is there, the bonding is there. Agar hamare jeevan mein hum log theek theek karke naam dhyan karenge Thakur ji ka jo principles unko maan ke chalenge to kabhi bhi main guarantee deke bolta hu jeevan mein ups and downs to aayega hi. Wo jeevan ki niyam hai, wo jeevan ka ek reet hai. लेकिन वो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होके निकल जाएगा. और जब हमें वो डाउन जब होता है जीवन का जो लाइफ का उस पीरियड में, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, उस पीरियड में जब आपको गाइडेंस की जरूरत होगी तो ऐसे पूजनीय बिंकी दा ठाकुर परिवार के किसी दादा के लड़के वैसे लोग ठाकुर परिवार के सब लोग आपको ऐसा करके पकड़ेंगे और ऐसा करके एकदम बिल्कुल उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन भी सिंपल सोल्यूशन देंगे. सत्संग इज अ मैन मेकिंग इंडस्ट्री. सत्संग एक आदमी बनाता है. आदमी बनाने का ऐसे नहीं है मैं एक्चुअली रिसेंटली अपने बच्चा जब स्कूल गई है तो मैं उस पेरेंट्स ग्रुप का मैं एक मेंबर बन गया. तो मैं एज ए क्लास लीडर मैं किसी को कुछ बोलना था तो मेरे को बोला व्हाट यू वुड लाइक टू टेल योर और मैंने एक ही बात बोला I would like good human being in future. सब लोग अभी जस्ट वो छह साल के बच्चे जो 7 साल वो प्राइमरी वन क्लास वन बोलते हैं इंडिया में उसमें गई है. लेकिन वो सारे करीबन 100 बच्चे थे और 100 बच्चे के ग्रुप में एक ही चीज बात हुई थी कि क्या बोलना है तुम्हारे अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स. और मैंने यही बोला था कि मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची एक अच्छी इंसान बने. मुझे नहीं चाहिए वो क्या क्या बनेगी बाहर आगे जाके, वो ठाकुर की मर्जी है. लेकिन इंसान बन वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है.
श्री ठाकुर जी का सत्संग होता है, मिलियन मिलियन लोग आते हैं, हम लोग भुवनेश्वर में या असम में या त्रिपुरा में हमने देखा है कैसे कैसे देवघर में कैसे लोग भीड़ होता है, हमें कभी भी किसी के सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? बिकॉज वी डोंट फाइट ईच अदर, राइट? वी डोंट फाइट, वी डोंट नीड समबडी टू मैनेज अस, वी नो हाउ टू मैनेज आवर सेल्व्स। हम लोग को कैसे मैनेज करना है, एक सत्संगी जो सही से नाम ध्यान करता है, सही से अपने ठाकुर जी का इष्टविधि करता है, उसको देखने से दूर से पता चलेगा वो सत्संगी है, उसके जीवन में ठाकुर है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपको देख के अगर ठाकुर तो आपको नहीं जगता है तो फिर आपको ठाकुर आप दीक्षा क्यों लिए? ये बहुत जरूरी है। आपने दीक्षा लिया अगर नाम ध्यान नहीं करते, आप इष्टविधि नहीं करते और प्रार्थना नहीं करते, फिर आपको वो चीज अपना ठाकुर तो इसीलिए बोले ना मैन मेकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने सबके अंदर में भगवान है, वो भगवान को जगाने की जरूरत है। एक छोटी सी घटना और बोल के मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। मेरे पिताजी अरुणाचल में दुकान चलाते थे, करीबन मैं आपसे 1999 की घटना बता रहा हूँ, जब उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था फालीन बोल के। तो मेरे पिताजी जब दुकान चलाते थे अरुणाचल में, मेरे पिताजी ने एक उड़ीसा के एक शेफ जो खाना जो होटल में खाना बनाते हैं, जो मिठाई बनाते हैं, उसको उड़ीसा से लेके अरुणाचल में गए, तेजू बोल के एक जगह है, तो वहां पे वो हमारे दुकान में काम करते हैं। तो पापा का एक बहुत एक ये था कि जो भी दुकान में आएगा या कोई भी आएगा, वहां पे फोटो रखा हुआ है, वो ठाकुर जी की बातें करेंगे, और एक रूम है पापा का, वहां पे प्रेयर करते थे, उसी में लेके दीप्ति दा को बुलाते थे और दीक्षा दिलाते थे। तो ऐसे दौरान वो गुरु भाई तो नहीं था जो उड़ीसा से आया था, साहू था, तो उनको भी दीक्षा हो गया। तो दीक्षा होने के बाद उसके घर में कुछ अर्जेंसी हुई, तो उसको 1999 में, मेरे को मंथ याद नहीं है, उसको आना पड़ा उड़ीसा बैक फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश तेजू, व्हिच इज एन एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया इफ यू सी इन द मैप, वहां से वो उड़ीसा आया। इन दैट टाइम व्हेन ही वाज इन उड़ीसा, जब वो उड़ीसा में था, वहां पे फालीन का जो साइक्लोन बहुत मारामारी, बहुत 50 किलोमीटर पर आवर का मुझे जहां तक मैंने देखा है, उसके स्पीड में आंधी तूफान हुआ, बहुत लोग मरे, बहुत लोगों का बहुत कुछ नाश हुआ। जब जो ऋतिक दादा जो दीक्षा दिए थे, तो वो तो वहां पे चले गए, मतलब उड़ीसा में, जो साहूदा जो दादा जो दीक्षा दिए थे, उनका नाम है अशोक कुमार भौमिक, वो वहां पे तेजू में ही रहते थे, वहां पे ठाकुर जी, उन्होंने पापा को पूछा कि क्या हुआ उसको, पता है बहुत साइक्लोन हुआ, साहूदा का कुछ खबर है? नहीं, मुझे भी पता नहीं चल रहा है, मैं एक बार फोन करके पूछता हूँ। तो दादा भी थे, मेरे पापा भी थे, तो पापा ने उनसे बात हुआ, तो वो रो रहे हैं, साहूदा रो रहे हैं। जब उड़ीसा में जाने से पहले उनका लेकिन दीक्षा हो गया था अशोक भूमिकदा के माध्यम से, और जब वो जैसे उनको समझाया गया था कि इष्टविधि करने का है, प्रार्थना करने का है, वो कर रहे थे। जब वो भुवनेश्वर में गए, जब ऐसे साइक्लोन हुआ, और जब पापा ने यहाँ से पूछा उनको क्या है, तुम्हारे घर का क्या हालत है, तुम कब आ रहे हो फिर अरुणाचल प्रदेश में, तो वो रो रहे हैं। तो रोने का तात्पर्य ये था उनका, वो बोलते हैं आमा के ठाकुर बाची नहीं है। बोले कैसे? बोले मेरा घर इतना तूफान आया, इतना सब कुछ आया, मुझे मालूम नहीं, मैं देखा हूँ कि मेरा घर के जो छतरी है उसमें मतलब एक बड़ा सा पेड़ उसको कुछ नष्ट नहीं किया, और वो उसके घर में जहां पे वो बैठे थे उस जगह को कुछ भी हानि नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या पता ठाकुर जी अशोक भूमिकदा को बोले कि इनको दीक्षा दिलाना है, मेरे पापा के माध्यम से जाजन हुआ और वो साइक्लोन में फंसे, लेकिन ठाकुर जी उसको बचा के ले गया। ये विश्वास है उसके किस्मत में। हम लोग जो ठाकुर जी को नहीं मानते होंगे बोलेंगे और कीजिए नहीं, कपाले छिलो मना मरण वो मरे नहीं, किंतु যদি বিশ্বাস রাখি যে আমি ঠাকুরের ঠিক ঠিক নাম করেছি, ঠিক ঠিক ইষ্টভিধি করেছি, তাহলে আমি সত্যিকারে উই উইল ওভারকাম লাইক দিস ইনসিডেন্স। উই কল মেবি উই কল দিস এজ এ মিরাকল, রাইট? বিকজ উই ডোন্ট নো ইট ইজ এ মিরাকল নট, দ্যাটস ওয়াই আমরা ঠাকুরের হাম লোক বলতে হ্যাঁ বহুত সারি বাতে মিরাকল বলতে গেলে হমে পতা নেই ইসলিয়ে হাম লোক মিরাকল বলতে হ্যাঁ, লেকিন বহুত সারি এসে ঘটনাই ঘটেগি জিসমে হমে লাগেগা মিরাকল হ্যায়, লেকিন মিরাকল হমে পতা নেই ইসলিয়ে হাম বোল রহে হ্যায়। ইয়ে চিজ বহুত ইম্পর্টেন্ট হ্যায় कि टाइमली नाम ध्यान करना, टाइमली इष्टविधि करना, और इष्टविधि सिर्फ नहीं करना सिर्फ नहीं, उसको भेजना, यह बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत
बार ये सब लोग बोलते स्टूबिली कर रहे हैं स्टूबिली कर रहे हैं, लेकिन टाइमली भेज पा रहे हैं कि नहीं वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ और ज्यादा अपने आलोचना दिग्र नहीं करता हूँ कि आप लोग जहां भी रहें, मैं आप लोग सबकी मंगल का अपने जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ, चल रहें, सुस्त रहें और सस्तनी सदाचार पालन करें। जो सस्तनी नहीं भी है आप लोग हर दम सदाचार पालन करें, जो हाइजीन जिसके वजह से आज हम लोग जिस सिचुएशन में है, जो ठाकुर जी बहुत साल पहले बोल के गए थे, सुस्तनी सदाचार, सदाचार पालन करोगे सबाई मंगल कामना करे। जय गुरु, ओवर टू यू गोलोक भाई। जय गुरु विजन भाई। जय गुरु, जय गुरु। अरे हमें प्रताप दा बोलछि, हमरा दुई जना प्रताप दा। अरे हां अच्छा प्रताप दा, जय गुरु। खूब ভালো, খুব ভালো লাগলো। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु प्रताप दा, जय गुरु अभय दा। धन्यवाद बिजन दा, बहुत बिजन दा, मैं उड़िया में बोल रहा हूँ। बहुत भल भाव बिजन दा एक्सप्लेन कले तांकर एक्सपीरियंस, आउ आमे आगो को आउरी सुनिबा। आगो को नेक्स्ट आमर स्पीकर अछंती सुमित हालदार दा। सुमित दांग विषय मुझे जस्ट टिके बैकग्राउंड कहबी। सुमित दा एक्चुअली बेसिकली ओडिशा रे किट रु पढ़ीचंती, किट रु पढ़ला परे तापरे से जदियो टिके थोड़ी बहुत ओडिया जानिचंती, मु रिक्वेस्ट करिची ओडिशा रे ओडिया रे कहिबा पई, तथापि से ओडिया इंग्लिश देखिकी मिक्स करिकी कहिबे। तो सुमित दा भी एठी परमानेंट रेसिडेंट, तो सेथि पई कि ओवर टू सुमित दा, आपण आपणकर वक्तव्य रखंतु। সবাইকে আমার জয় গুরু, ধন্যবাদ আমাকে মতে এই অপরচুনিটিটা দেওয়া পাই। ওড়িয়ারে মু কেবে বি জাজন করিনি, কেবে বি ঠাকুরের কথা কহিনি, মোস্টলি বিকজ আই এম বেঙ্গলি, তো এইটি জাজন করলে আইদার উই স্পিক ইন ইংলিশ ওড়িয়া অর হিন্দি, বাট মু ওড়িয়ারে কহিবাকু ট্রাই করিবি। আই মিন আই অ্যাকচুয়ালি স্পিক ওড়িয়া বেটার দ্যান বেঙ্গলি বিকজ অ্যাজ গোলক দা সেড আই হ্যাভ স্পেন্ট লাইক এ লং টাইম ওড়িশারে। So, বিজনদা কিছু বহুত ভালো কথা কহিলে শুনিলি, আর ঠাকুর ধরিকি আই থিঙ্ক আমার সমস্ত জীবনরে অনুভূতি অছি, রাইট? সো আগেন ঠাকুর বহুত থর কহিছন্তি এবং মানে আমি যে সৎসঙ্গ স্টার্টিং রে বি আমি সত্যানুষ্ঠান পড়ুছু সেটাও লেখা হয়েছি, ইউ নো মানে সেই ইউ শুডেন্ট মেক মি দ্যাট ঠাকুর থিঙ্কিং কি মিরাকল হব। But this is also a reality ki ame jete bele thakur ja kahi ki jaichanti ame jaha setole follow karuchu, we always get to see such things happening with us, right? We call it anubhuti, we call it miracle, whatever we call it, and we have heard numerous stories, all of have the links in a way eta kon karuchi ame jodi thakur ku follow koriba se jaha hisab re kahichanti eta asibo। সো মু গোটে শুনুছিলি কৃপা কথা, সে কৃপা কু ব্রেক করলে সে কহিলে ঠাকুর শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলে কৃপা, সো যদি আমি করিবা তাহলে আমি পাইবা, সো ক্রি ইজ ফর কর্ণ, পা ইজ ফর পাইবা, পানা, সো ইটস অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট। তো মানে বহু জন আই থিঙ্ক আম সৎসঙ্গরে আমি সমস্ত জানি সমস্ত but basically you know one of the questions that I keep coming বহু কেবে বি পচারুছন্তি আউ পচারিবে, obviously you know people before taking initiation should ask why Thakurji, why only Thakurji, right? So very easy a one line explanation to that is he is the living idol. So I think all of us probably have heard this stories before, all of the saints before, but mu kon koriyaku chahuchi ki I will basically talk through two things. First thing is why Thakurji, and the second thing is why now, and even if we have taken diksha ajaha hochi our day to day life, we tend to forget se jaha kahi ki jaichanti, we tend to forget, seiti pai satsanga comes very handy. Satsanga re ame kon koruchu, we talk to each other, we talk about Thakur saying, and it basically eta Thakur jaha kahi ki jaichanti na, it refreshes it in our mind, acha I should do this. So, all of us probably at some point of time, আমি কিছু খারাপ কাম করতে পারি,
right? I mean, we do. But then basically when we know about Thakur, and if that is in top of our mind, we'll not do it, right? Because so Saita, I think those are the 2 points mu kahiba ko chahutili. So let me first talk about why Thakurji. So basically, samasta story to janithibe, but American devotee once came to Satsang Ashram and asked Sri Sri Thakurji that, could you please explain me your ideology in 2 words? Just dita sabda. And Thakur said, be concentric. And then, the guy asked, be concentric around whom? So Thakurji replied, be concentric around your living idol. So again, going back to the point, why Thakurji? So living idol. So the devotee asked at that point of time that, what if Henry Ford, is my living idol? So Thakurji patiently replied, if Henry Ford is your living idol, you'll become Henry Ford. You'll never become Jesus Christ. So when you basically set yourself, a goal, this needs to be really high. Satan needs to be Thakurji, because he is the Sarva Gyata. He knows everything. He can guide us in scenarios that your mentor or, someone else cannot guide you through. That's why you need to have, Sri Sri Thakur as your living Thakur center of your life, right? I was fortunate enough to have a satsang. ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ବିଫୋର ପ୍ୟାନାଡାମିକ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦାଟ୍, ଆମେ ହଂକଂ ଯାଇଥିଲୁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଯୋଜନ କରିଥିଲେ, ହି କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖେଇକି ଯୋଜନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ସୋ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବେସିକଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ସର୍କଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଉଟ୍ ଏ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ସର୍କଲ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଡ୍ର ଏ ପରଫେକ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ହିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଦ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଠାକୁରଜି ଆଜ୍ ଦାଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏ କର୍ଭି ଲାଇନ୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ସୋ ସେଇ ସେଣ୍ଟରଟା ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇ ଠାକୁରଜି ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଏ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଦାଟ୍ ସେଣ୍ଟର କାଣ୍ଟ ବି ହେନ୍ରି ଫୋର୍ଡ ଦାଟ୍ ସେଣ୍ଟର କାଣ୍ଟ ବି ଅ ମଦର୍ ଅର୍ ଫାଦର That center needs to be somebody who is above and beyond them, because he can basically make your life smooth around it, right? Now, aithi hi anubhuti question ta bhi aschi, which makes our beliefs firm and firm. We all had multiple experiences, multiple good experiences, close to miracles, all of these things. We should be, again, Thakur eta bhi kahi ki jai chanti, we should be ready for କଷ୍ଟ ଆସିବ ଜୀବନରେ ରାଇଟ୍ କଷ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଆସିବ ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ଠାକୁରକୁ ଧରିକି ଚାଲିବ ସେ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦେନ୍ ବଟ୍ ୱି ୱେର୍ ବିଫୋର୍ ସୋ ଅନ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଫେସ୍ ଦିସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ବିଜନ୍ଦା ବି କହୁଥିଲେ 2010ରେ ହି ହାଡ୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ହାଜ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ହାଜ୍ ହାଭ୍ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଟଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଦାଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଅସ୍ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଠାକୁର ହେଲ୍ପସ୍ Imagine if Thakur is not there, what would have happened, right? Because we have not experienced it, we wouldn't know. ei sabu anubhuti ama samastanko jivan re achi ame kali ratre ame kotha hotulo ei jo mu 2 barsha tale pujaniya bikida ethi asthile singapore apana samasta janithibe sete bele mu sustaini neli au I still don't know why did I took it right I still don't know He suddenly asked. We were not ready. I mean, we have been thinking about it, but we were not serious. And there was another guy called Bishoda. He also took it together with us. So, ame sathe kali ratre ame dekhaithilu, ame kotha hoithilu ki ame kemiti kemiti ame sastaini nei gelu. So the answer is we don't know. How did we get the courage? Like I used to eat fish and all these things. How did I suddenly get the courage overnight at 9 p.m. Something was told to us and. ରାତି 10:30 ଯାଏଁ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ କି ହଁ ଆମେ ସସ୍ତେନି ନେବୁ ମି ଓ ମୋ ୱାଇଫ୍ ତ ଆମେ ଗଲୁ ବିଙ୍କିତା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଇଏ କଲୁ ଦାଦା ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସସ୍ତେନି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆୱାର୍ସ ଇଫ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଅ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ମୋର୍ ୱିଥ୍ ବିଶ୍ୱଦା ହି ୱାଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଅ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ମୋର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବଟ୍ ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ହାଉ ଦିସ୍ କେମ୍ ବଟ୍ ଦ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ Because when he asked me, right, I'm nobody. But when he asked something, he might have seen something which I don't know. Something related to my health, something related to something else. I absolutely don't know. Other people who are not holder in Singapore, this whole thing is going on.
But he did not ask them. He asked me. So, kaiki ask korle mu janni. Neli mu thik korli bhul korli seta bhi mu janni. Kintu seita main kotha. Se jaha dekhi paruchanti. Right? Au Bijonda bhi ei kotha kohile. Thakur, acharjo, ebong ebe, you know, pujoniya babai da binti da eman achanti. What they can see, we cannot see. And that's again, I'm going back to the same point. That's why you need a living idol in your life. He can guide you through those situations that you won't be able to go through yourself because you cannot see. You probably can see next 24 hours. You can probably, you know, if you do meditation very well, you probably can see 48 hours. You cannot see beyond it. They can see thousands of miles sitting in their ghar. You know, they can, satsangra bhi se achanti. Virtually se bhi achanti. He's listening to what I'm saying, you know, in some form or the other. How? I don't know. This is beyond explanation, right? This is where I would say, like, you know, amaku say thakur ku center re rakhiwa ku. Very easy explanation. So Surjo Prakash Mahapatra da jaha koi de seida mona rakhiwe. You cannot draw a circle without having a center. There's no way. Science doesn't teach us a way that you can draw a circle without a center. Say simple jinsota mona rakhiwa. Ebong say simple jinsota ku practice koriwa. Ki ame jivan re sabobele jete bhi ame cholochu, whatever we are doing, we keep Thakur as our center. Whatever we do, right? Whatever we are doing, we are going out to meet our friends, fine. Keep Thakur in your center. And you will see whatever discussions are happening, whatever is happening, you will not talk negative things. If your center is correct, you can never draw, those curvy lines around you. Just because of the fact that Thakur tamaku pull kori ki thik direction re nahi jibe. So it's very important. Whatever we are doing in our life, naam koruthiba, au Thakur ko center rakhiba. So that basically kind of, you know, I was trying to address why Thakur ji. Now let me address the second point. Why now? And, there are a lot of people I've seen, like, who have taken Diksha for years. Some of it, like what Bijonda was saying, they talk to us every day, but they have not taken initiation. I think they're missing out. Because that's the first step. If you take Diksha and how much you follow is up to you. A lot of, like, I can be myself, right? I don't do Namantran. Yesterday, I cannot do it. I mean, my mind is probably very volatile or whatever it is. There are a lot of people who can do Naam Dhyan for 45 minutes. Mote bahut jana ei bisoye kahi chanti. Kali bhi mote Animesh Banerjee da kahile Naam Dhyan korucho, kete time korucho. Mu was like, haan koruchi je, beshi kori paruni. So seita hochi kotha. Amaku ei jinish ta ku stress koriba. Naam Dhyan is important. I have to do it. If I'm doing 2 minutes, yeah, let's start there. But if you have not taken Diksha, how can you do Naam Dhyan? You can never do the next step. They know we are Guru Bhai. They are addressing you as Joy Guru. You know, pursue them because it is for them, not for you. If they take Diksha, you know, it will be so good for them. They will avoid, a catastrophe in their life, probably going forward. And I'm telling you, I have seen some of my friends going through it. We really pushed hard, Diksha da nahi ja. 3-4 years later, we saw something happened, which probably would not happened if they have taken the initiation. Because ame jo sokale ishtubiti koruchu, seta ekta raksha kavach. Seta amko bachai dochi. From a lot of things, that would have probably happened with us if we have, if we have not taken initiation. So see, Diksha da nahi ki ame jodi just ishtubiti ta koribu, right? Mota Diksha nahi ki bahut barsha hoi jaichi movie mu kahuchi mu Naam Dhyan kori parni, but mu jaha koruchi, it's probably saving me from a lot of those things that I cannot see, I cannot foresee coming. So seita mane stress on the fact is why now and why should you follow him now. And let me go get into a little bit of sadachar. We all know about pandemic, we all know about how important it is to sanitize your hands now, and hand wash koriba, sanitize koriba. Sabu ebe loko kahuchanti, lot of sanitizers installed all around the city. Odisha re bhi heithibo. But Thakur ei kotha kebe kahi ki jaithile? 100 barsha tole. So setta bela sadachar kotha kahi ki jaithile. Sadachar is nothing but hygiene. And he said to us, right, hygiene is the practice of principles of living conducive to one's existence and growth. Hygiene is the base. So sei kotha 100 barsha tole kahi ki jaithile, and today the world is realizing how important it is to wash hands, how important it is to sanitize your hands.
মানে আপনার দেখি দিয়ে সমস্ত করুবে সু পিঁধিলা পরে যেত নয় দীক্ষা নিয়ে মু দেখুলি আরে সু সু পিঁধিলা পরে কী হাত দৌঁছেন বিকজ 10 years ব্যাক ওয়েন আই ওয়াজ নট ইউ নো এ ফলোয়ার আই ডিডন্ট নো ইটস ইম্পর্টেন্ট আই ডিডন্ট নো দ্যাট ইউ শুড ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ড আফটার শুজ ইজ দ্যাট সিম্পল লিভ ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড এ লট অফ পিপল অলসো ডোন্ট দ্যাট শু হ্যাভ দ্য ভাইরাস সো টুডে পিপল আর ওকে ওকে লেটস স্যানিটাইজ মাই হ্যান্ড So now, 100 years later, people are realizing how important it is. But Thakur could foresee this 150 years ago. And if you have followed whatever Thakurji has said, you will never come across, you know, to this virus because you will keep yourself clean. And when I say clean, actually there are 3 aspects to it, right? What I'm talking about is physical cleanliness, like washing hand and all of this, right? Ahuri se koi chan ki, don't eat in the same plate, right? And very close this plate. You should not eat in the same plate. Eat in separate plates. And there's a scientific explanation behind it. Kahin ki tumhe alga plate re khaibo. Because, you know, even if it is somebody very close to you, he may have some diseases which will pass across to you. And this is going to, you know, affect your whole family or whole friendships, like, you know, friends who are eating. That's why I say, Kojanti, don't share the same plate. Tumhe khao sangere. Tumhe alga plate re khao. These are very basic things, you know, and because again, as you know, satsangis also, maybe we are doing this mistake. We know this, but we don't follow this. Saiti bhai mukoji, why now? Ebe amaku kai follow kori varachi. We have seen what the pandemic has done and what is the importance of keeping us clean, right? That's physical hygiene. That's basically sadachara first step, I would say, is physical hygiene. Ghorada clean rakhiwa, thakurun jagata clean rakhiwa, right? All of this leads to that physical hygiene piece. And you know, cleanliness is next to God, you know, godliness, godliness. Seta samasta janichanti. Seti pai ame bahut jano ghara dekhe ghara bahut osana hichi, but thakurun jagata clean rakhichanti. It's actually not true. Your whole house should be clean, your body should be clean, right? That is physical hygiene, and that's the first step before you can get to mental hygiene. So the next step is mental hygiene, and mental hygiene is about all about the truthful thinking, speaking the truth. You know, satsango is all about this. We come together and sat, right? Sat manusa sango. Bengali ami ektu bole felchi, but when we do that, basically that is giving us the mental hygiene. When we are basically attending the satsango, we are talking to each other. You know, it is cleaning our mind. It is basically that mental hygiene, which is making ourselves clean. So basically, eti bahut gote mu ye bhi paduthili thakurunko. Gute saying ko paduthili, let me read it out in English. The work which brings expansion or growth in the mind is honest work. That which brings us superstition, prejudice, etc. in the mind, in a word, which brings us narrowness, is evil work. Very simple, thakuram gute mani. Simple koi ki jai chanti. Tome jaha kamo korucho, it should lead you to something positive and honest. So before you take on any work, let it be anything, you should always think that, am I doing bad to somebody else by doing this? Might well as not do it. That is okay. Kamota koroni. But tome kahin ki gota kama koribo, je kamore au jano ko, you know, harm hobo. Kon labo hobo. Right? Kichi labo hobo ni. So, seita se koi chanti very simply, mental hygiene re, right? So, kahin ki tome, mane, how will you stay positive in this world which is full of negatives? So it's not easy, but Saiti Pai Prayo Satsang Achi, Amajoi Universal Brotherhood Achi, that basically propels us. Ki ame samaste misiki, kemiti gote bhalo kama kariba. Jodi ame bhalo kama kariparnu, at least let's not do something bad, which, you know, affects others in a negative way, which obviously it will affect you. We are probably not realizing it, but amo bhi kharab hobo. আমি যদি কোনসি গোটা কাম করুছু যেটারে আউ কাহার হর্ম হচ্ছে ইউ নো দের ইজ এ সেইং ইফ ইউ আর বেসিকলি ডিগিং এ হোল ফর সামবডি এলস টু ফল ইন ইট ইউ উইল অলসো ফল ইন ইট সো সেইথিপাই লেটস ডু অনেস্ট ওয়ার্ক রাইট দিস গিভস ইউ দ্য মেন্টাল হাইজিন আউ তুমি যদি জীবনরে পজিটিভ রহব তুমি 10 বর্ষ বেশি বঞ্চব ফর সিওর সৎসঙ্গী যে মানে ঠাকুর ফলো করি চালিয়েছেন আমি কত এক্সাম্পল দেখিছু মানে বহুত লোককে আমি দেখিছু like they are 85 years old, 86 years old. Acharya Dev in front of us is such a good example, right? He's so well. He is able to do everything in his life, right? And there's so many other people. I've seen like Bodhidas father. He's able to do everything,
right? I mean, and he does not like that somebody helps him out with his day-to-day life. He is also like Acharya Dev's age, I think 85, 86 years old. How are, at this age, they're so strong? And we have also heard that, again, I'm more Vajodara Kotha Goji ticket, but Tako Bapa Jeuthi Kama Koruthile, because he used to work in a furnace, the steel furnace, and his job was to basically get inside that hot furnace and change the bricks. So jo steel furnace hochi, bahut garam rochi. They cannot cool it down. Jetavale tome maintenance work korucho. So he used to basically wear all the suits and all, sei bhitra jauthile, and he used to replace those bricks out. आउ माने तांकर जॉब रे जहां सुनी थी समस्त को बहुत चिकन फिकन सब खुआ होता मद खुआ होता सो दैट यू डोंट यू नो गेट द दिस थिंग इट इज सो हॉट बट से बिकॉज ही वाज सस्टेनी होल्डर ही डिड नॉट ईट एनीथिंग एंड पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन हिम दैट यू आर गोइंग टू डाई यू कैन नॉट टेक दिस यू आर गोइंग टू डाई बट द रियलिटी इज ऑल ऑफ हिज कोलीग्स दे आर नो मोर दे ऑल डाइड इन द एज ऑफ 55 56 57 He's still alive. He's still doing every, you know, going about doing every activity in his life by himself at 85 years. This is what Thakur can do because we cannot. It is so easy to fall to the prey that, you know, everybody is doing this as well. So, say that main kotha. I mean, jodi Thakur ko mani ki chaliba, aur Thakur jo hisab re koi jo say hisab re mani ki chaliba, right? We cannot twist the facts. So, if we twist, then it is basically again, you know, it's not helping anybody. So we cannot twist the facts. If we follow him the way he has said, it will be good for us going forward, you know, going down the line. We have seen such examples in our life, right? And I'm sure all of you, mane apan mane odisha re bahut example dekhithibe ei bodiya aje mane ki chali janti se jibon re bhalo achanti, they are happy that they can live longer, they have a good positive family life, right? All of the facts lead to the fact that the mental hygiene is there. So physical hygiene katha koili, mental hygiene katha koili. And the third piece is around spiritual hygiene or spirituality, right? Again, spirituality, Thakur bahut simple kahi dechante. Thakur kebe bhi kahi naanti, bhai, mote aso, you know, you pray, mane mote ete khaiwa ko diyo, mote ete phulo diyo. E sabu kichi kahi naanti. Se kahi chanti, jajan, jajan, ishtubiti. We do all of that, that's fine. And that we do because we love him. That's fine. But se kahan kahi chanti, jajan, jajan, ishtubiti. Se kebe bhi kahi naanti ki, you know, फटोरे आसिकी लाइक ए शिव गॉड यू नो पुट वाटर ऑन माय टॉप गिव मी मिल्क नो से ही मेड इट सो सिंपल से कहिले जजन जजन इष्टविति बस सेतिकी करो सेतिकी करो ही बेसिकली रीडिफाइन धर्म ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट राइट सो जजन जजन इष्टविति कौन जजन माने तुम जानो ठाकुर कौन कहीं की जायछन दैट इज द मोस्ट एंड अगेन दीक्षा बिकम्स द स्टेपिंग स्टोन a lot of people used to ask I mean nowadays because of covid we don't you know ethe interaction honio alga lokon sangare but basically a lot of people used to say why don't you mane mate bohita dio mu bohita padhenebi right diksha mu padhenebi I know everything about Shishi Thakur give me the books give me satanusharan I'll read no diksha is your first step diksha na nahi jao diksha does not mean anything diksha does not stop you from doing anything that you are doing today Dikha only ask you to do morning and evening, spend 5 minutes prayer. I think definitely doable. It says you do Ishtubiti in the morning. So simple. Takes even 2 minutes, right, to do Ishtubiti. Ethiki tike koro. Say it at Dikha. Tapara tama say, as soon as you have taken Dikha, you will have that, this thing ki aare Thakur eta kona koi janti. Tike padhiwa. Tama jajan start kala sethi. Tapara tama jajan. Tapara yo ame kohu chuiti. We are talking to each other about Thakur. We are saying something. Somebody else is saying something. So we are, you know, bringing his ideology, whatever he has said. Once you have read about it, once you know what he has said, then basically, you know, we are talking to others about it in our way, right? It is actually not helping them. It is helping us. We don't do jajan for others. We do jajan for us. Because when we speak about something, it comes and hits your mind as well. It binds to it. You know, it's bound to happen. So, I said, if you don't believe the fact, I mean, if you don't believe the fact, then you don't believe the fact. So, it's basically when we are talking to somebody about jajan, we have to first believe it. That's the second thing here. That is to be the, I think we all know, you know, it's a very cool step to do. You know, again, he is not asking, you know, give me 50 rupees at the, you know, everyday morning. No,
ବିଜନ ଦା ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଇଟ ଠାକୁର କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ପଇସା ଦିଅ ମତେ ଇଏ କର ସିଏ କର ଇଷ୍ଟ ବିଥ ୟୁ ଡୁ ୱିଥ ଟେନ୍ ପଇସା ଫାଇନ୍ ହି ନେଭର ସେଡ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ଡୁ ଇଷ୍ଟ ବିଥ ୟୁ ଟେନ୍ ପଇସା ଇଭେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ସିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ୱେର୍ ପିପୁଲ୍ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମନି ଦେ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇଷ୍ଟ ବିଥ ୱିଥ ୱିଥ ଦ ରାକ୍ ମାନେ ଆଶେସ୍ ରାଇଟ ଆଉ ସେଇଟାରେ ବି ଲୋକ ଇଷ୍ଟ ବିଥ କରିଛନ୍ତି ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ସୋ ପୁଅର ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ମନି ଦାଟ୍ସ ଫାଇନ୍ ସୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ପଇସା ଦିଅ ଇଏ କର ସେ କର ନୋ ସେଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ ବେସିକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ୱେନ୍ ୟୁର ଲଭ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଅଫର ସମଥିଂ ଲାଇକ୍ ବିଜନ ଦା ୱାଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଅଫର ପ୍ରଣାମି ଫାଇନ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଣାମି କ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ସମ୍ବଡି ଟେଲ୍ ୟୁ ନୋ ଗିଭ୍ ମି 1001 ରୁପିଜ୍ ନୋ ଇଟ୍ସ ରିଅଲି ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ 1 ରୁପିଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ସୋ କନ୍ସିଡର୍ଡ ପ୍ରଣାମି ସୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ ମନି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅବାଉଟ ଲାଇକ୍ ପ୍ରେଇଙ୍ଗ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଲଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୟୁ ରାଇଟ୍ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ହଁ ଆମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଆସିଯିବ ଲଭ୍ ଆସିଗଲେ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ୱାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ଫର୍ ୟୋର୍ ୱାଇଫ୍ ତମ ୱାଇଫ୍କୁ ତମେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଣିକି ଦଉଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦେବ ଅଟୋମେଟିକଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ୟୁ ବଟ୍ ନୋ ବଡି ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ୟୁ ଟୁ ଡୁ ଦାଟ୍ ସୋ ଅଗେନ୍ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ମିନ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଫର୍ ନନ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ପିପଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇନିସିଏସନ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରେ ଟୁ ଦିସ୍ ଲର୍ଡ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ପ୍ରେ ଟୁ ସମ୍ବଡି ଏଲ୍ସ ନୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ଏଲ୍ସ I keep telling everybody, it does not mean Thakur is going to take over other gods, right? If you really love God, Lord Shiva or Lord Ganesha, you can still follow him. Thakur does not say you cannot. In fact, Thakur is the only prophet, I think, who has followers who are Hindu, Muslims, Christians, and everybody else, right? So he does not stop you from following your religion. He does not stop you from doing any of your day-to-day life. He just asks you for a... ଅଗେନ୍ ଜଣେ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ବିକଜ୍ ଆମ ଗୋଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ସାମର ଏଠି ମେଲାକାରେ ଜଣେ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଥିଲେ କଲ୍ଡ ରାହୁଲ ଦା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗିଭ୍ ମି ନିଡଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଇ ଭଳିଆ ମତେ ଜାଗା ଦିଅ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନସାଇଡ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ବେସିକଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ୟୋର୍ ବଡି ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି ୱାନ୍ ନିଡିଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ୟୁ ନୋ ଇନ୍ ଆୱାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ସେତିକି ସେତିକି ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତାପରେ ୟୁ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ରାଇଟ୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ହାଉ ୟୁ କିପ୍ ଫଲୋଇଂ ହିମ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଦଟ୍ସ ହାଉ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ରାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଅନୁଭୂତି ମାଇ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ୱେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଟୁ ନୋ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ 2010 ବିଫୋର୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ନେଭର୍ ଇଭେନ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୋ ଇନ୍ 2011 when you know again Pujaniya Pinky Da happened to come to Singapore I took initiation and why did it happen because I used to go follow my wife to go to those satsangas right I got to know about you know oh, Sri Sri Thakur okay these are the people right I used to meet Bijonda Gopada all of these guru bhais Boidoda they all used to come here I used to see their dedication Boidoda used to like you know drive 400 kilometers to come to Singapore for a satsang it's not easy who does it Right? You ask me to do it my office work, I will say no. I'm not going to drive 400 kilometers to go and attend something which is 2 hours long or 1.5 hours long. No. But that was their dedication. How did it come? I don't know. Do I have that level of dedication? No, I don't. I still don't have that level of courage. I don't have that level of dedication. Nahi mo pakare. Right? But I want to get there. So it's that's why it's called universal brotherhood. ଏମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ ରାଇଟ୍ ୱି ଅଲ୍ ହିୟର୍ ଏ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ ୱି ହାଭ୍ ହର୍ଡ ସୋ ମେନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ୱେନ୍ ଆଇ ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇଜି ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ଗୋ ଟୁ ଦେଓଘର ଏସ୍ପେସିଆଲି ବିକଜ୍ ୱି ଷ୍ଟେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ପ୍ରେ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ପୂଜନୀ ବାବାଇଦା ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ସମଥିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ହୁ ଡୁ ୟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପିପଲ୍ ୟୁ ଟକ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କମନ୍ ଫାଦରହୁଡ୍ ଦଟ୍ କମନ୍ ଫାଦରହୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର right and you know this is such a good thing that we have in our life we all cherish the fact that we are all guru bhais right we may have differences among us you know I probably don't like everything about Golok Da I probably don't like everything about Bijon Da does not matter there is that one string which is tying us together right which is Thakur ji and I think I have taken up a lot of time and Golok Da is probably messaging me saying stop yeah so as I rightly guessed it's Golok Da asking me to stop so you know
थैंक यू अगेन समस्त को अगेन जय गुरु होपफुली यू नो जहाँ भी मुझे कहली आम ठाकुर को धरिकी जीवन रगे जावा बढ़िया एंड इट नीड्स टू बी डन नाउ राइट लेट्स नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर लेट्स डू इट नाउ आउ इन बिटवीन दिस पैनडेमिक आई थिंक इज द बेस्ट फॉलो हिम राइट बिकॉज ऑफ द पैनडेमिक सच गुड थिंग्स हैपेंड राइट नाउ वी आर एबल टू टॉक टू यू विच वुड हैव बीन पॉसिबल you know nobody would have done satsang on zoom before right nobody would have thought about it so again I think you know let's get hold of thakur ji you know let's keep him in our center of our life and let's move forward in our life bachiba bodhiba main katha jese kahichanti bachiba bodhiba jivan ra dhyam bachiba bodhiba aage badhi chali jai guru जय गुरु सुमिता जय गुरु आउ धन्यवाद बहुत भल भाव ठाकुर विषय कहले आम स्टप कहीं पठेली कारण आम टाइम अनुसार सर ना देढ़ घंटा समय तो सत्संग को टाइम सर भल तो से पठेली आ तो बहुत इच्छा आप बहुत भल भाव आलोचना करते कि एक्सपीरियंस अनुभूति निजर सेयार कले आउ से जो निवेदन करने कथा कहते हैं मानने मोर मन अच्छी मुझे अभयदा ये अच्छा अभयदा जो मुझे भुवनेश्वर रोली भुवनेश्वर सात आठ हजार टाइम दरमा पाऊली से ही समय अभयदा सहित मुझे कथी मनोज पात्रदा नंबर नहीं सेठू धीरे धीरे जा हूँ समयानुक्रमे मुंबई गली मुंबई रूपए ये गली आज कौटी तो ये मुझे बेस समय नौनी खाली कहवा कथा हूँ ठाकुरंकर आशीर्वाद सब उपर अच्छी जमती कि मानने लोक भावती दक्षता आप दीक्षा ना दक्षता हम सत कथा कौन दक्षता हिसाब से मोर निजर दक्षता कि ना कह गले चले आप देखते कौटी आठ दस हजार टकर दरमा आज कौटी सिंगापुर कंपेरिजन करुँच मो सहित जो मैंने पढ़ुते धर जो मुझे प्राइवेट कलेज रू पाठ पढ़ी सीधा कथा कि मो सहित जो मैंने पढ़ी सीईटी या एनआईटी एक्सवाइजेड जो भी पढ़ी कि फाइनाली मुझे देखुची मुझे जो कम करें सब पढ़ी मानने जाबियर एम बी ए कले से भी सही कम कर तो जिनस हूँ से ही पोजिशन से ही सब से कम तो जिनस हूँ दक्षता मनुष्य ठाकुर को मानिकी कि चलवा छोट छोट कथ मानिक चल दक्षता निजर बढ़ी था जोटा कि मुझे बेसी समय नौनी आग को जी नेक्स्ट आमर सत्संग सिंगापुर प्रेसिडेंट अनिमेश दासदा मुझे अनुरोध करी कि सी तो लोकल सिंगापुरियन भी आ प्रथम मानने सत्संग बहुत पुराणा कर्मी मानने सिंगापुर सत्संग स्टार्ट रु आई थिंक बिजन दा अनिमेश दासदा बैद्यदा गोपादा तापर जॉइन करते तो भितर मुझे अनिमेश दासदा को निमंत्रण करी सी किसी कह अनिमेश दासदा जय गुरु आप कुछ बोलिए जय गुरु सुना जा हाँ 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 सुना जा शिचरणी प्रणाम परम आद्या जगत जननी परमा शिचरणी प्रणाम राम पूज्य भाव शिशी भटी प्रणाम बर्तमान आचार्य देव शिशी दादा शिचरणी बाबा शिचरणी प्रणाम आज के सत्संग विहार भुवनेश्वर उद्योगे आयोजित एवं सत्संग सिंगापुर संचालन परिचालित ईश्वर संगे उपस्थित समय के आनंदित जय गुरु और प्रणाम सवार का कृतज्ञ जरा सत्संग जड़ित क्यों एत सुंदर सत्संग आयोजन कर शिशी ठाकुर लीलाय मत्त कर रेखे एवं आनंद दिए जा शिशी ठाकुर तिप्पन्नतम प्रयाण दिवस এই দিবস উপলক্ষে এই সৎসঙ্গ যারা আয়োজন করেছেন সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা এতক্ষণ আমরা আমাদের বিজনদা এবং সুমিতদার ভিয়া ভাষায়
খুব তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা শুনেছি, খুব বেশ ভালো লেগেছে, খুব আনন্দ দিয়েছেন আমাদেরকে। আমি বিএক লাইন শুধু বলে আপনাদেরকে খুশি করার চেষ্টা করব। আসলেই মানব ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধি পাওয়া। আর এই বেঁচে থাকতে ও বৃদ্ধি পেতে হলে প্রথম প্রধান প্রয়োজন হলো স্বাস্থ্য। এই করোনা মহামারী প্রাককালে আমরা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে সৎসঙ্গ চালিয়ে যাচ্ছি, এটা আমাদের খুবই আনন্দের বিষয়। স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর তার চলার সাথী গ্রন্থে বলেছেন, তোমার আচার ব্যবহার চাল চলন ইত্যাদি এমনতর হওয়া উচিত যাতে তোমার স্বাস্থ্যে কোনো প্রকার অপঘাত না আসে। পর চল আর চলাই অবাধ হয়, দেখবে জীবন দহবে। এই ছোট বাণী বুঝিয়ে দিলেন স্বাস্থ্য কি জিনিস এবং স্বাস্থ্যই আমাদের মূল সম্পদ। তাই আসুন আমরা সবাই ইষ্টনিষ্ঠা মেনে এবং তার নির্দেশে চলে জীবনকে সার্থক করে তুলি এবং সুস্বাস্থ্যে জীবন যাপন করি। আজকে এই ঈশ্বর সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা এই সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে উড়িষ্যা ভাষীদের সাথে যে সৎসঙ্গ উদযাপন করতে পারছি এটাই আমাদের বড় পাওয়া। পরিশেষে আমি ঠাকুরের চিচরণে সবার মঙ্গল ও সুউজ্জ্বল জীবন কামনা করে এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু অনিমেষ দে, ধন্যবাদ। আপ ঠাকুর জি কে বারে মে জো ভি সমরেশ করকে বতায়ে তো উসি হিসাব সে মে প্রার্থনা করতা হুঁ আপ অর ভি এসে হি ঠাকুর জি কে কাম করতে রহিয়ে অর হাম লোগোঁ কো প্রেরণা দেতে রহিয়ে। আগে মে পিন্টু দা কো অনুরোধ করুঙ্গা, ও সমরাইজ করকে এক সমাপনী সঙ্গীত করকে ধ্বনি দেঙ্গে। পিন্টু দা জয় গুরু। পিন্টু দা জয় গুরু। আপ আগর ভিডিও অন করেঙ্গে তো আচ্ছা হোগা দাদা। জয় গুরু। আজ আমরা সবাই জানি আমাদের জীবনেশ্বর পরমদয়ালের তিপ্পান্নতম তিরুদান তিথি। ভাবতে গেলে মানে ঠাকুর বিশেষভাবে দেখতে গেলে ঠাকুর নেই, ওটা একটা এক প্রকার পালন করি আমরা, কিন্তু ঠাকুর তার দিব্য জীবন তিনি তার আচার্য পরম্পরায় তিনি জীবন্ত হয়ে আছেন। আমরা ভাবতে পারি না ঠাকুর সেদেহে নেই, ঠাকুর আছেন। যখন ঠাকুর তার শ্রীদেহ ছেড়ে চলে গেছিলেন তার মহাপ্রয়াণের পরে, শ্রী শ্রী দাদা আচার্য পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা খুব বেদনার্থ যেখানে গিয়ে প্রার্থনা করা হতো ঠাকুর বাংলায় তিনি খুব কম যেতেন। শ্রী শ্রী বর্দা দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুই প্রার্থনায় আসিস না কেন বা যাস না কেন, তখন শ্রী শ্রী দাদা বললেন যে ঠাকুর চলে যাওয়ার পরে ঠাকুর যে নেই কিরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, আমার ভালো লাগে না। তখন শ্রী শ্রী বর্দা শ্রী শ্রী দাদাকে একদিন সন্ধ্যায় নিয়ে গেলেন, তখন একদম নীরব পরিবেশ। খানিক বাদ শ্রী শ্রী বর্দা শ্রী দাদাকে বললেন এখন কেমন লাগছে,
তখন শ্রী দাদা বললেন যেরকম ঠাকুর যখন তামাক খেতেন ওই তামাকের গন্ধ মানে খুব আমি শুনতে মানে ইয়ে শুনতে পাচ্ছি, সেই গন্ধ সারা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে। তো ঠাকুর আজও আছেন দেওঘরে, মানে ঠাকুর শ্রীদেহে নেই, রক্ত মাংস দেহে নেই, ঠাকুর আছেন। আর তারই তিরুদান তিথি হিসাবে আমরা পালন করছি, ভবিষ্যণ্য করণীয়। কিন্তু আচার্য পরম্পরায় তার যে লীলা চলছে সেই লীলাকে লীলায়িত হয়ে আপন করে আমরা চলবো, তবেই তার আমি মানে আরো উজ্জীবিত হতে পারবো এবং তার ভাবাদর্শে নিজেকে ভাবিত করে সবাইকে ভাবিত করে তুলতে পারবো। এখানে আজকের যে সৎসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিজনদা এবং সুমিতদা পরিশেষে অনিমেষদা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন, মূল্যবান কথাগুলো একটাই যে আমরা কি করে ঠাকুরমুখী হব এবং আচার্য পরম পূজ্য শ্রী দাদার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করা। তিনি যে ডাক দিয়েছেন এখন 3.5 কোটি দীক্ষা, ওই 3.5 কোটি দীক্ষা কি করে হবে, এগুলো হয়ে আছে, আমরা শুধু তার ইচ্ছায় লেগে পড়বো, সবার কাছে তার দয়ার কথা বলবো। আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না, উপস্থিত যারা হয়েছেন সৎসঙ্গ সাউথ ইস্ট এশিয়া সিঙ্গাপুর পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা এবং এত বড় একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই ভুবনেশ্বরের এই সৎসঙ্গ এই সিঙ্গাপুরের পক্ষ থেকে আজকে করা এটা বড় পরম সৌভাগ্য আমাদের সবার সাউথ এশিয়া সৎসঙ্গে। সবার পক্ষ থেকে আমি সবই যারা এই ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন সবাইকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। জয় গুরু বন্দে গুরু। আমি একটা ছড়ার গান, জয় গুরু পিন্টু ভাই, আগে জয় গুরু, জয় গুরু প্রতাপ, প্রতাপ ভাই জয় গুরু, জানাইলা প্রতাপ দা অবৈদা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, খুব ভালো চললাম তো। ও ঠাকুর বাড়িতে আছেন? জয় গুরু অভয়, জয় গুরু প্রতাহী, পিন্টু চালাও, ঠিক আছে, ঠাকুরের কতিপয় ছড়া ছড়ার গান হিসেবে আমরা জানি, তো অনেকগুলো ছড়া বিষয় বলছি ব্যবহার। পরিস্থিতি ছাড়বে না,
Thank you.